एक बात बहुत जरूरी है कि होता ही होगा कि मतलब हम पढ़ाई तो कर रहे हैं पहली बात, और पढ़ाई करने के साथ साथ मतलब बहुत सारे मतलब जो चीजें होती है वो करने भी होती है। दूसरी में जो ट्रेंड चलता है वो क्या चाहिए, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, और हद आदि हो गया सरकारी नौकरी, और ज्यादा हो गया जो ट्रेंड में चलता है यही सारे कोशिश चलता है। हर फैमिली वाला अपने बच्चों को यही बनाना चाहता है कि क्या तो डॉक्टर बन जाए, या तो इंजीनियर बन जाए, या तो सरकारी नौकरी बन जाए। सरकारी नौकरी यानी दया चाहे इंजीनियर बन जाओगे तब भी, और डॉक्टर बन जाओगे तब भी। अच्छा, ये सारे की सारी चीजें मतलब कि एक ट्रेंड खड़ा करते रही हमारे सोसाइटी में, जो कि हमारा समाज इस पर ट्रेंड खड़ा करते। ये मतलब कोई गलती काम नहीं है, या तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, जैसे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अपने आप में बहुत बड़ा काम है, लेकिन कुछ बच्चे ये सब नहीं करना चाहते हैं। अब जबरन उनको क्या करना पड़ता है, चलो उसी फ्लो में अब हमारे चार चार ताऊ के लड़के वही बने हैं, तो चलो हमको भी बनना है। अब उसमें यार उसका मन नहीं लगता, तो एक टाइम के बाद क्या करता है, चाह जाता है, सोचता है आप छोड़ो यार, अब क्या करना है, तो जो मन में आता है फिर वो बाकी करता है। यानी जो करना चाहता था वो नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि सारे के सारे समाज का दबाव और साथ में फैमिली का दबाव वगैरह वगैरह। अगर कोई बिजनेस, जैसे हमारे एक दोस्त है, अब उसको अपने लाइफ में बिजनेस करना था, अब उसका मजबूरी क्या हो गया कि उसके जो पापा चाहते थे वो नौकरी करे, तो उसके पापा बोलते बैंक में आप तुमको नौकरी करना है, बैंक का ही नौकरी करना है। अब वो लग गया और वो आज तक लगा हुआ है अपने बैंक की नौकरी में, यानी अब उससे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मतलब बस इसलिए बैंक की नौकरी करना चाहता है ताकि अपने पापा को दिखा सके, और कुछ दिन बाद बैंक की नौकरी छोड़ करके बिजनेस करना चाहता है। अब बताओ इसमें कुछ दुख बनता है, आगे आप बैंक की नौकरी पा रहे हो, फिर बैंक की नौकरी छोड़ दे रहे हो, उतना टाइम कमा करके आप चार से पांच साल तक बैंक की नौकरी आप कर रहे हो, ठीक ना, मतलब पानी के लिए मेहनत कर रहे हो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, तो उस जॉब को छोड़ मतलब जॉब को छोड़ करके फिर बिजनेस लाइन में, तो कोई दुख नहीं बनता, वो तो आपने 30,000 का पूरा लॉस कर दिए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब एक टाइम पे हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और देखो ये सारे के सारे कोर्सेस है, इन कोर्सेस मतलब ये सारे के सारे कोर्सेस है, कोर्सेस का मतलब ये आपके अंदर का स्किल है, जो सबके अंदर है, कुछ ना कुछ स्किल सबके अंदर होता है। जैसे कोई कोई दोस्त को जो ज्यादा एडवाइस देता है, बोले कुछ नहीं तो चालू हो जाएगा तुम एडवाइस, मतलब खुद कुछ नहीं है लेकिन एडवाइस थोड़ा देना चालू कर दे, वो गलत बात नहीं है, उसकी वो उसी में रुचि लगती है कि एडवाइस देना। और कभी कभी क्या करता है, अच्छा एडवाइस भी दे देता है कि तो कोई एडवाइस देना चाहता है। कोई भी देखो कि आजकल ट्रेंड चला है कि बहुत सारे बच्चे फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे रील्स बना रहे हैं वगैरह वगैरह, ये काम कर रहे हैं। देखो ये सब भी क्या है, एक काम है ना, ये सब तो हम अलग नहीं कर सकते, काम नहीं है। आज के डेट में इसी काम को करके लोग अच्छा खासा अपना घर चला रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, हजारों लाखों तक कमा रहे हैं, तो ये सब भी काम है, इसको अनदेखा नहीं करना। और हर बच्चा देखो ये बात तो फिक्स है कि हर बच्चा अगर डॉक्टर है और इंजीनियर और सरकारी नौकरी पालेगा तो खेतों में धान कौन उगाएगा, फोटो कौन खींचेगा, कैमरा मैन कौन बनेगा, फिर तो शादी तो वैसे हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाओगे, शादी हो गया हम लोग का बस। मतलब अगर कोई फोटो खींचने वाला हो तो बढ़िया होगा कि नहीं, जैसे शादी आ गया तो मतलब आपका फोटोग्राफर चाहिए भाई साहब, एकदम 4K में HD फोटो चाहिए, ये तो बड़ी मार मारेगा फोटोग्राफर, तो भैया वो सीखेगा तब तो कुछ तुम्हारा खींचेगा ना फोटो, क्या बोला कि इंजीनियर को बोला गया है पूरा फोटो खींचना, अब टाड़ा एड़ा मेड़ा पूरा फोटो खींचाएगा, उससे भी तो असंतुष्ट रहोगे, फिर उसको कर गया होगे भाई मैं इंजीनियर पढ़ा हुआ है फोटोग्राफी किसे कर देगा। तो कहने का मतलब है कि समाज में हर चीजों की जरूरत है, एक चीजों की नहीं। बात आती है कि वो आपकी रुचि के अनुसार आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है जिससे आप चीजों को सीख सकते हो, ये भी तो जरूरी है ना, आपके अंदर एक्साइटमेंट होने चाहिए, फिर उस एक्साइटमेंट को लेकर के कुछ स्किल होने चाहिए, और तीसरा चीज उसकी बाजार में डिमांड। तो इस तरीके से आप एक मतलब कि एक बिजनेस या फिर एक इंसान बिल्डअप करता है अपने आप को, और क्या करता है फिर आगे जाकर के अपना नाम भी रोशन करता है, धमाके में नाम रोशन वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें। अब देखो ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, अब आते हैं पॉइंट पे, थोड़ा सा अंधेरा कायम रहे बेटा है। अब देखिए फ्रीलांसिंग क्या होता है, देखो फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसमें सारे काम आते हैं, फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसमें सारे काम आते हैं, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसे फ्री होकर के काम कर सकते हैं। देखो आप बहुत सारे कंपनी के लिए काम करोगे, बहुत सारे एक कंपनी के लिए, जैसे आप इंजीनियर बन जाता है तो केवल एक कंपनी के लिए काम करेगा, जाएगा भैया सुबह सो के जाएगा आराम से 9 बजे और शाम को 5 बजे आएगा एकदम चौचक, स्ट्रेस अलग है क्या रही है, बहुत ज्यादा काम है आज तो बॉस बहुत ज्यादा डाटा है इधर उधर है कि नहीं, और महंगा महंगा अधिक काम भी दे दिया तो वो भी प्रेशर। तो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा काम है जो कि आप फ्रीली कर सकते हो,
उसमें है क्या, कौन कौन सा काम है, हमने बोला ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर कुछ। और वो काम आप क्या कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट पे आते हैं, अभी किस पॉइंट पे आते हैं कि अभी भी जो फ्रीलांसिंग होता है इसका मतलब है कि आप फ्रीली काम करोगे। देखो इसमें कोई भी आपके मतलब वो नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन आप फ्रीलांसिंग में फ्रीली कब काम कर सकते हो, जब आपके पास कोई ना कोई स्किल होगा, स्किल का मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा। हमने शुरू में बताया कि सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण बस अंदर, तो आप उस गुण को क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। देखो बेचना केवल सामान को ही नहीं बेचना होता है, सोसाइटी में अपने वैल्यू को ही बेचना एक बेचना होता है, है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास सामान है ना, हमारे पास जो भी चीज का नॉलेज है उसको हम क्या करें, फिर किस बेच रहे, ऐसा नॉलेज को बेचना नहीं बोला चाहिए। लेकिन देखिए आप अगर जो अगर आप इकोनॉमिक्स के तौर पर देखेंगे, अर्थशास्त्र तरीके से देखेंगे, तो लोग सामान को ही केवल नहीं बेचते हैं, लोग अपनी वैल्यू को भी बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जैसे कि विराट कोहली है, विराट कोहली का फॉलोअर बारे बहुत ज्यादा है, ताकि सामान तो नहीं बेच रहा है, वो क्या उसके फॉलोअर जाते हैं सारे कंपनी वाले उसे कनेक्ट करते हैं, और वो किसी भी चीज का ब्रांड नहीं करता है, भैया देखो ये शैम्पू है, ये है, आप लगाओगे तो हो जाओगे बुरे कारण हो जाओगे, काले बच में रात को कौवा से सवेरे कबूतर बन जाओगे। तो ये ब्रांडिंग है, कहने का मतलब ये है कि इस बात का भ्रम आपको छोड़िए कि हम केवल सामानों को ही बेच सकते हैं, इंसान अपनी वैल्यू भी बेचता है, बस जो उसके अंदर गुण रहता है उसको भी बेच करके अच्छे खासे पैसे कमाता है, ऐसा बात है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने बोला फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप क्या चाहिए, आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कैसे कपड़े पहन रहे हो, कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं चाहिए कि भैया एकदम कोट पैंट पहने के तभी काम हो पाए, है कि नहीं, कोई फॉर्मल जगह नहीं चाहिए, घर का कोई भी कोना उठा लो वहां पर आप क्या कर सकते हो, काम कर, क्या बात समझ में आ रहा है, जिसके लिए कोई जगह नहीं, फ्रीलांसिंग का मतलब फ्री होकर के काम कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए। अगर वो फ्रीलांसिंग के अंदर कौन कौन काम आते हैं, तो हमने बोला ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब लगभग हर चीज जो फ्रीलांसिंग के अंदर आता है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, देखो फ्रीलांसिंग में क्या करते क्या है सर बताओ, देखो मैंने लिखा ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, जैसे राइटिंग करना, एडिटर एडिटिंग करना, मार्केटिंग करना किसी चीज की, डिजाइनिंग करना, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना, और फिर ग्राफिक डिजाइन करना, वेब डेवलपमेंट करना, कंसल्टिंग करना, या फिर वीडियो प्रोडक्शन करना, ऑडियो प्रोडक्शन करना, एनिमेशन करना, ये सारे के सारे लोग आज के डेट में बहुत छोटा सा छोटा बच्चा कर रहा है, जो 6-7 साल का है, हेलो सॉरी नौकरी वाले पापा नौकरी वाले बच्चा एक तो क्या करेगा, मोबाइल लो घर पे पढ़ो लिखो मस्ती करो, हम लोग कब आएंगे, ऐसा होता है क्योंकि हम जब कानपुर में रहते थे, कानपुर में हम ये फाउंडेशन पढ़ाते थे, तो वहां पर हम हमेशा जाते थे, वो बच्चा अकेले रहता था, मतलब कि वो लड़का मात्र 6-7 में पढ़ता था, अब उस बच्चे को दे देते थे मोबाइल टैबलेट रहता था, बड़ा बड़ा स्क्रीन पर टीवी रखता था, अब पैसे वाला इंसान, अब क्या करेंगे, तो जो पायलट से पैसा कमा सकते हैं, तो इस तरीके से रहता है, ऐसा भी बात नहीं रहता है कि छोटे बच्चों का मोबाइल नहीं रहता। अब देखो इसमें जैसे राइटिंग में क्या क्या राइटिंग कर सकते, लिखना तो सबको आता है, अब जैसे लिखना सबको आता है, अब इसका मतलब अगर आपके अंदर थॉट्स आते हैं कि आप गाने अच्छे लिख सकते हो, आपके अंदर थॉट्स आते हैं कि आप शायरी अच्छे लिख सकते हो, किनके लिए, अलग अलग लोगों के, कोई भी जो शायर रहता है, शायर क्या करता है, जाकर शायरी सुनाता है, अब उसके पास जब बड़ा शायर बन जाता है तो बहुत सारे लोग मिलाते हैं, है कि नहीं, तो अब उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ करके शायरी लिखे, तो क्या करता है कि काटो शायर ढूंढते रहता है ऑनलाइन कि भैया कोई भी शायर मिल जाए हमको शायरी लिखा है। जैसे छोटे छोटे स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो जो स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है, जैसे जो भी छोटे छोटे वीडियो नहीं देखते हो, जैसे मान लो कि किसका हो गया, मान लो भुवन बाग का हो गया, या फिर अमित बड़ा उसका अपना लिखा हो गया, तो कुल मिलाकर के जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे स्टोरी भी लिखवाना चाहते हैं, है कि भैया आप हमारा स्टोरी लिख दो, मतलब स्क्रिप्ट लिख दो, क्योंकि देखो एक मूवी छोटे से छोटे पिक्चर को बनाने के लिए, मूवी को बनाने के लिए अलग अलग लोग चाहिए होता है, डायरेक्टर होता है उसमें, स्क्रिप्ट राइटर होता है, स्क्रिप्ट जो राइटर आता है क्या करता है, मूवी का स्क्रिप्ट लिखेगा, तो आपके अंदर थॉट्स ज्यादा आते हैं कि आप अच्छे अच्छे कहानियां लिख सकते हो, बना सकते हो, आपको बुलाया जाएगा ऑनलाइन ही आपको क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, भैया इस बंदे में खासियत है और आपको ये खासियत दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आपके अंदर खासियत है, तो बहुत सारे समय चल रहा है कि
अब देखो ये सारे सारे चीजें होंगे, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सर राइटिंग में क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है कि आप लोग जो भी जिसे गूगल पे सर्च किया, जो भी ओपन किया आपका पेज एकदम ओपन हो जाता है, और पेज ओपन में करते हो तो कुछ ना कुछ लिखा रहता है। जैसे मान लो अगर फिजिक्स के बारे में मान लो है ना, तो फिजिक्स का थ्योरी लिखा रहता है, जैसे सर्च करते न्यूटन्स लॉ, पूरा फिजिक्स आ जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है कि नहीं, तो वो इंसान को कोई लिखा ना होगा। अब उस इंसान को लिखने के लिए किसी फिजिक्स वाले को खोजा जाएगा, तो अगर उसमें स्किल ज्यादा होगा तो क्या करके लिख देगा, क्योंकि गूगल पे जितने भी चीजें फीड की गई है वो सारे सारे इंसानों के द्वारा ही फीड किया गया है। ये लेकिन ऑपन लिस्ट आ जाता है, जैसे इंसान पैदा करेगा वैसे ही उसको पैदा, मतलब वो लिखा हुआ है किसी न किसी इंसान के द्वारा बस, और उसमें उतना ही ज्यादा जानकारियां हैं जितने लोगों ने फीड किया है। अलग पुस्तक तो बोले मतलब बोल देता है गूगल कि मतलब भैया ये गूगल पे नहीं पाया जाए, है कि नहीं, ये बातें आप देखते हो कभी कभी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कभी नहीं, तो ये सब कौन लिखता है, कौन सा राइटर लिखता है। अब राइटर कौन लिखेगा, आपके अंदर जो स्किल होगा, अब यही नहीं बहुत सारे चुटकुल्ला मुहावरे बहुत सारा देखते हो गूगल पर पढ़ा रहता है, तो एक वेबसाइट जो होता है जो वेबसाइट का मालिक होता है अच्छा खासा वो कमाता है। जो कभी भी वेबसाइट ओपन किया आपने तो बीच बीच में देखो प्रचार आता है, अगर उसे बोलते हैं गूगल एडसेंस, अगर उसको आप उस वेबसाइट पर अगर 5 रुपया भी सॉरी 5 मिनट पे अगर स्पेंड कर रहे हो, गंवा रहे हो, उसको देख रहे हो, तो कम से कम गूगल एडसेंस के द्वारा वो जो बंदा है जिसका पेज है वो $5-10 कमा ले रहा है, यानी ₹200-300 हर 5-10 मिनट में कमा रहा है। अगर उसका पेज बड़ा है, अगर उसके पेज को ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि 1000 करोड़ पेज पड़े हैं, तो उसी पर उन पेजों पर कुछ कोई तो लिखा होगा ना, तो जो भी लिखा हुआ पाता है उसको बोलते हैं आर्टिकल। अब आर्टिकल कोई ना कोई इंसान लिखता है, जाहिर सी बात, तो बहुत सारे स्किल हो बच्चों को कि डिग्री नहीं था, अब इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए बस क्या चाहिए, स्किल चाहिए, लिखने की आदत, थोड़ा सोचने की आदत कि आपके अंदर थोड़ा सा आप लिख सकते हो, किसी भी स्क्रिप्ट को लिख सकते हो, स्टोरी कहानी बना सकते हो, शायरी लिख सकते हो, शायरी तो बहुत लोग बनाते होंगे। आज हमारे साथ ये आज चलो देखो ई बुक राइटिंग, बहुत सारे देखोगे प्ले स्टोर पे बुक्स पड़े रहते हैं, आप पूरा का पूरा ओपन करते हो, अब उस बुक्स में प्ले स्टोर पे नहीं देखते हो, बहुत सारे एनसीईआरटी का बुक पड़ा हुआ है, किसी मतलब भगवत गीता या कुरान का बुक सर्च करते हैं पूरा पड़ा होता है। अब कोई इंसान वो लिखता ही है, ऐसे नहीं कि वो इसी हो गया, उस कभी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोई इंसान बैठा होगा, एप्लीकेशन आके तो बनाया होगा, एप्लीकेशन बना करके उसके अंदर भी लिख करके सब किया होगा, क्या बात समझ में, कोई भी इंसान लिख ही रहा ना, और उसके अंदर शायरी है कि क्या है क्या नहीं है, सारा का सारा, तो लिखने की स्किल से आप अच्छे खासा पैसा कमा सकते हो। और हर इंसान चाहता है ना, अब जो ऐप बना रहा है वो थोड़ा ना बैठ के लिखेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐप बनाने वाले स्किल है। अब ऐप बनाने के लिए भी डिग्री की जरूरत नहीं होती, आप ऐप आसानी से बना सकते हो, जो कि आप लोग एप्लीकेशन नहीं देखते जो गूगल ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करते, क्या बात समझ में, ये सारे सारे ऐप बनाने का भी कोई कोर्स मतलब कोर्स तो बहुत सारे होते हैं, उन्हीं कोर्सेज से सीख सकते हो, डिग्री की जरूरत नहीं, बात समझ में, केवल स्किल 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 यानी एक नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, ये बात। अभी कोई यहाँ पर फिक्शन राइटिंग वही हो जाएगा, राइट शॉर्ट स्टोरीज आप लिख रहे हो, पोइम्स लिख रहे हो, इवन नॉवेल्स भी जो लिख रहे हो, है कि नहीं, और फॉर ऑथर्स अदर ऑथर्स यानी दूसरे मान लो ऑथर्स है, दूसरा कवि है, वो चाहता है वो इंग्लिश से खाली जानता है, तो आपसे पूछ रहा है हमको हिंदी मिल पा रहा है, जैसे मान लो रसिया का वो रसियन जानता है सारा, हिंदी नहीं जानता है, लेकिन उसका तो होगा ना मन कि भैया हमारा जो किताब है वो भारत में भी बिके, तो कहाँ करेगा, किसी किसी राइटर खोजेगा हिंदी राइटर को, जैसे कि एक ऑडियो वाले भी रहता है, कौन वाले, जैसे कि आप देखते हो कभी साउथ में मूवी रिलीज होती है तो इधर अगर नॉर्थ में देखना है तो उसको डब किया जाता है हिंदी में, तो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं वो, है कि नहीं, वो सारे सारे ऑडियो में ऑडियो प्रोडक्शन में आ जाएंगे, क्या बात करना, ये सब सारे सारे। और यहाँ पर तो देखो एक इंसान बोल रहा है कम से कम हम $800 से $2000 तक कमाते हैं अगर इस जॉब से, $800 का मतलब 800 को 80 से डिवाइड कर लो, 64,000 लगभग। देखो वेब कंटेंट राइटिंग, अभी तुरंत वेब कंटेंट का मतलब जितने भी गूगल पे आपके पड़े हुए हैं जितने भी कंटेंट वो वेब कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं आप, बस बस मार। अब आगे क्या है, राइटिंग ट्रांसलेटर, ये सबसे ज्यादा जरूरी, अभी तुरंत एग्जांपल दिया कि रशिया से अगर कोई इंसान है तो उसको अगर लिखवाना है, या अमेरिका है, अमेरिका वाले इंग्लिश जानते हैं, अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाना है तो बहुत सारे हिंदी हिंदी भाषा वाले लोग हैं, है कि नहीं, तो क्या करेंगे कि भैया लाओ हम लिख करके दिखाते हैं, है कि नहीं, तो वो उसकी किताब को लिख देगा और लिख करके ट्रांसलेट कर देगा, उसके पैसा देगा वो। लेकिन कब, देखो अब इसमें आपको हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं ऑफिस की जरूरत है, वो ऑनलाइन अपनी किताब का पूरा भेजेगा, एक किताब 200 पेज का, आपको आपके अंदर अगर लिखने की टैलेंट यानी ट्रांसलेटर मतलब एज ए ट्रांसलेटर हो गए, इंग्लिश को अच्छे से हिंदी में अनुवाद करते रहो और लिखते रहो, तो अगर ये खूबी आपके अंदर है तो आप घर का कोई कोना पकड़ लो,
आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल से भी शुरू कर सकते हो कोई भी। अब ये आप लिखना स्टार्ट किया, ट्रांसलेट कर दिया, आप उसको चार्ज भी कर सकते हो। कि पहले आप कभी भी जब कोई भी आपका क्लाइंट जब मिलेगा यानी कस्टमर जब मिलेगा, मान लो कोई भी मान लो अमेरिका वाला मिला, तो उससे डील करो क्या भैया, कि भैया मेरे अंदर स्किल है, आप मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हो, मतलब मेरे बारे में पता कर सकते हो, आप उसको लिख दे दो भैया, पता करो पसंद का। अभी सारी चीज़ें बताएंगे किस तरीके से लिस्ट जनरेट करना है, यानी आप किस तरीके से अपना प्रोफाइल बना सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाते हो, फेसबुक पर प्रोफाइल बनाते हो, तो काम के लिए प्रोफाइल तो बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे लिखते हो केक मर्डरर, आपको वहां का राजा तो वगैरह वगैरह, तो ये इसके अंदर जो प्रोफाइल बनाओगे आप उसको जो पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं, यानी वो वेब आप क्या करोगे एक प्रोफाइल बनाओगे। अरे रिज्यूम यार, जो आप लोग रिज्यूम लिखते हो ना, तो रिज्यूम रहता है, रिज्यूम आपका पूरा पूरा रहता है, कितने लोगों के साथ काम किया है, कैसा काम है, काम को दिखाओ बस। बसन कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, ये सब वगैरह वगैरह कुछ नहीं। कंपनी कुछ उसी से मतलब है नहीं है, तुमको बस काम हमारा बढ़िया से कर दो बस, ये वही उसी काम को आपको सीखना पड़ेगा, यानी स्किल लिखने का है, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और हम बोल रहे हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे चीजें आ जाती है इसी के अंदर, इस बात को समझिए। दूसरा है ग्राफिक डिजाइनर। अब देखो ग्राफिक डिजाइनर में एक ही चीजें नहीं होती, आप टी शर्ट से लेकर के किसी भी कपड़े को देख लो, किसी भी अभी ये जो बैनर बना हुआ है बैनर को देख लो, सारे के सारे जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं किसी ने किसी चीज को, किसी ने किसी पिक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वहां पर डिजाइन जैसे लोगो डिजाइन देखो अलग अलग, जैसे मान लो जियो कंपनी का लोगो है, जैसे जियो है और बाहर बाहर क्या रहता है, तो आप समझ लो उस लोगो को बनाने के लिए वो मामू उठाया होगा, कोई भी किसी भी थोड़ा सा जानकार व्यक्ति उठा होगा जो लोगो बनाता है, उसको उठाया और उसी लोगो का बनाए जानते हो, उसको साठ से सत्तर हजार रुपए हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल होगा भाई साहब, जिसको भी उठाया गया होगा, मतलब जो भी बना रहा होगा। अब क्या है, ये डिजाइनर है। अच्छा अभी तुम लोग को बनाए थे तो बना रहोगे, बहुत सारे बच्चे बना देंगे, लेकिन ये बात है कि अभी आपको थोड़ा सा आपकी फेस वैल्यू नहीं बढ़ी है। अगर आप थोड़ा सा अपने काम को दिखाना चालू करो लोगों में, तो लोग आपसे काम लेना चालू करेंगे, अच्छा आप काम कर पाओगे तो लोग आपसे काम लेना चालू करेंगे। इसमें डिग्री की जरूरत है ना, एक मोबाइल भी आप कर सकते हैं। हमें याद है कि हमारे जो पहले जमाने में जब दिशा पहले फेसबुक चलाते थे, हमारे मजे वाले भैया फेसबुक चलाते थे, उस समय क्या होता था कि पहले अच्छा बजा डिजाइन डिजाइन फोटो करके एडिट करते थे, उसमें फेसबुक कुछ वाले रहते थे और वो फेसबुक कुछ और लोग रहते थे जो चलाते थे, जैसे उत्तराखंड के कोई है, वाराणसी का है, कोई लखनऊ का है, और वो एक एक बंदा एक एक फोटो का एडिट करें क्या, तो अगर कोई एक एक फोटो का एडिट कराए 100-100 रुपया लेता था, और भैया हमारे देते हैं क्यों फोटो एडिट करवा, अभी भी किसी किसी को रहता है कि भैया हमारा भी बढ़िया, किसी फोटो को देखोगे तो अरे हमारा भी एलजी फोटो रहता है, अभी इंस्टाग्राम पे इस तरह का फोटो बड़ा रहता है, बहुत सारे बच्चों का रहता है, ऐसे बातें और बच्चे इस एज में वो सब वाजिब है, बच्चे करवाएंगे वो इजी है, 8-17 साल भर कहाँ करोगे, दादी से दूसरे टूटा भरेगा करोगे नहीं, तो मतलब हर काम का एक एज भी होता है ना, तो उस एज तक का इंसान करेगा ऐसा बात नहीं करेगा बस रहना है। तो ये सब ट्रेंड्स है, अब इसी सब में लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे काम से कुछ कमा रहे हैं, तो यही मतलब है। देखो अब आगे लोगो डिजाइनर आता है, वेबसाइट मेकअप डिजाइनर, वेबसाइट में जाओगे तो देखोगे किसी का भी वेबसाइट ओपन करोगे तो दिखा लिखा रहेगा, कोई ऐसे करके खड़ा रहेगा, कोई ऐसे करके खड़ा रहेगा, कोई ऐसे करके खड़ा रहेगा, खड़ा रहता है और चारों तरफ देखो कुछ ना कुछ डिजाइन बना रहता है। वेबसाइट कोई भी सर्च करते हो आप लोग, गूगल पे कोई भी सर्च किया किसी वेबसाइट के अंदर है तो अलग अलग तरीके डिजाइन बना रहता है, ऊपर डिजाइन करता है, ये भाई साहब डिजाइन करते हैं, ये भाई साहब कहाँ से सीख के आते हैं, सारे का सारा ऑनलाइन सीखते हैं, यानी यूट्यूब से ही सीखते हैं, गूगल से सीखते हैं और भी बहुत सारे साइट्स हैं वहाँ से सीखते हैं, और सीख करके क्या करते हैं अपने आप को काबिल बनाते हैं और फिर उसका अपने वैल्यू को बेचते हैं, क्वालिटी को बेचते हैं और क्वालिटी से पैसा। देखिए मेन बात यह है कि आज हर बच्चे के हाथ मोबाइल है तो सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा बात है। आप अगर 2 घंटे दे रहे हो, 1 घंटे अगर इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो, उसके बाद कम से कम 1 घंटे कुछ देख लो काम लाए ऐप काम लाएगा, अब अपने ही फोटो को 10 बार निहारने से काम ले जाए, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, खुद देखने का देख के तो बुरा लग जाएगा। आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे, 1 घंटा दो किसी और चीज पे, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो मान लीजिए। और देखो ये जरूरी नहीं है कि आज के डेट में बहुत सारे जानते हैं बच्चे, बहुत सारे डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत सारे इंजीनियर बन जाएंगे, इसी क्लास के बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। आप
वो भी काम करो एंड ये भी काम आप पार्ट टाइम कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हमारे क्या बताएं, घर का कोई भी कोना कर लो, आपको जब मन करेगा काम करने के लिए तभी तो आप काम कर सकते हो ना। जैसे कंपनी वाला बोल दिया कि आपको काम देख करना है, अब आप काम करना चाहोगे तभी तो एक्सेप्ट करोगे, नहीं काम है तो बोलोगे नहीं सर सॉरी सर नहीं कर सकते, थोड़ा पोलाइटली बता दे नहीं नहीं कर दो क्या करोगे ऐसे नहीं तो कस्टमर फिर कहाँ चला जाएगा। तो ये बात है, देखिए फोटो एडिटर क्या होता है, फोटो एडिटर में बहुत सारे लोग फोटो एडिट करते हैं, ये भी है ग्राफिक पोस्टर डिजाइनर, बाहर से तो ये तो पोस्टर है बैनर है, कौन डिजाइन कर रहा है जो बैठ करके, अब देखो वो क्या कर रहा है, देखो खाली कंप्यूटर लेके बैठा है मराठी में डिजाइन कर रहा है, किसी का जाकर वो बड़ा वाला पोस्टर का चार्ज जाकर कोई इंटरेस्ट करेगा, खाली उसको डिजाइन करके और छाप दिया वो पन्नी पर और लाओ 4000 रुपये, कोई विश्वास नहीं करेगा कि सर है, अब है तो है अब मानना ही पड़ेगा, डिजिटल दुनिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर ग्राफिक पोस्टर डिजाइनर, अब देखो बुक कवर डिजाइनर सारे किताब में देखते हो लगकर लिखा रहता है अरिहंत प्रकाशन का है, इसका प्रकाशन का, उसका प्रकाशन का है, कौन करता है सर, इसके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन रहता है, इसके अंदर स्किल रहता है ताकि वो क्या करता है डिजाइन करता है, और डिजाइन कराने में पैसा लगेगा फिर तो करेगा है कि नहीं, क्योंकि वो मेहनत करके 1 से 1.5 साल 2 साल लगा करके स्किल सीखा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग सीखते हैं। आप बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपसीड है, बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन है जो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, ये सारे के सारे जो हमने यूट्यूब चैनल पर जो भी डिजाइन करते हैं सब अपने से डिजाइन करते हैं, ये 1 से 1.5 साल 2 साल का मेहनत है बस, और वही क्या करते हैं डिजाइन करते हैं हमसे अपना, वो अपने लिए हम काम करते हैं है कि नहीं। तो आप जैसे हम चाहे कभी कभी हम दूसरों के लिए भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है, तो जब टाइम रहता है दूसरों के लिए काम करते हैं, नहीं टाइम रहता है तो भैया लगन है तुम लोग है कि नहीं। अब क्या है कि टी शर्ट डिजाइनर, देखो टी शर्ट पर हर टी शर्ट पर डिजाइन देखोगे, अभी जैसे कि हम मान लो आलिया भट्ट का अगर लहंगा का डिजाइन करना हो तो आलिया भट्ट तुरंत प्रोफेसर को बुलाएगी और बोलेगी भैया 4 करोड़ रुपया दे इंजन पटने बनाना है कि नहीं, तो भी तो डिजाइनर है, उसके पास भी स्किल है, डिग्री लेकर बैठी है कोई, अगर डिग्री भी लेना चाहो तो फैशन डिजाइनिंग का होता है ले सकते हो, अगर नहीं डिग्री लेना है तो केवल हाथ की कला, केवल दिमाग, केवल स्किल बस है कि नहीं। आप खुद सोच करके देखो ना इतने सारे लोग क्यों लगे हुए हैं है कि नहीं, कुछ तो है सारा का सारा चीज सही है, लेकिन ये सब भी सारे सारे वेब डेवलपर, देखो वेब डेवलपर का मतलब आप इंटरनेट पे बहुत सारे चीजें भेजे देते हो, अगर आपके अंदर ये स्किल है, कोई जो बच्चा ज्यादा कीड़ा रहता है जो कि बोलता है कि अरे तो बना कैसे है, आपने इंटरनेट पे पेज उसको कौन बना के रखा है, कैसे बुझा रहे सारे, तो वो चीज पता करना है, आप वेब डेवलपर में जा सकते हो, वेब डेवलपर का जो काम है आप आसानी से आराम से कुछ दिन लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आसानी से इसमें बोलना है कि आप बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं जिसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं, आप उस वीडियोस को देखोगे, सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे, देन आप उनके हो जाओगे कुछ सालों में, हम बोल रहे थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि जल्दी किसी भी चीज़ का गोल जल्दी नहीं आता, आप किसी भी चीज़ के प्रोफेसर जल्दी नहीं बनते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सबर का फल मीठा होगा, बहुत मीठा होगा ये बात याद रखना, और जीवन में कुछ भी काम करोगे शायद आप काम कर सकते ये बात। वेब फॉन्ट डिजाइनर डिजाइन स्पेसिफिक फॉन्ट एंड आइकन फॉन्ट टू यूज विद वेबसाइट, वेबसाइट में बहुत सारे देखते हो फॉन्ट जैसे कि मान लो 1 रुपये फॉन्ट, जैसे जो हम लोग अपना फॉन्ट बनाया है लोगो जिसको बोलते हैं, ये देखो इस तरीके से लोगो होता है, मान लो ये लोगो है, अभी पढ़ाई कर रहे होंगे अकेडमी का ये लोगो बनाया हुआ है, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगो देखते होंगे, मुझे हर चीज़ का एक लोगो होता है, जैसे एडिडास है उसका भी लोगो देख के पहचान जाओगे, या फिर मान लो लैम्बो बनी है तो लैम्बो के नहीं, या फिर BMW उसका अलग लोगो रहता है, अब वो लोगो बनाने के लिए एक प्रोफेशनल चाहिए BMW और वो कार्गो कर पाए गरीबों को देख का गरीबों कंपनी का अर्गो कंपनी का क्या है, अर्गो रुपये की कंपनी है, तो किसी प्रोफेसर को चूज करेगी अच्छा खासा पैसा पे करेगी है कि नहीं, सर लोगो डिजाइनर में बहुत ज़्यादा काम में आ जाते हैं, ऐसी बातें नहीं है, तो आपको बस सीखना है और सीख करके उस काम को इम्प्लीमेंट करना है, यही बताया जाएगा कि आप सीख जाओगे तो काम कहाँ पर ढूंढोगे, बस एक बार सीख तो गए अब काम कहाँ पर मांगे हो, गली गली जाएंगे कहाँ भैया काम दे काम दे फेसबुक वाला जैसे मान लो कोई गलती हो रहा है फेसबुक में
तो फेसबुक का मालिक चिंता रहेगा कि भैया हमारे पास जो जितने भी लोग हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जो क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो गूगल का सीईओ है वो कौन है, सुंदर पिचाई है, और सुंदर पिचाई क्या इंडियन है, अब वो क्यों है ऐसा, क्योंकि उसने थोड़ा खोज भी किया हुआ है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि आगे इस मुकाम पर, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि कोई उस मुकाम पर नहीं हो सकता, मेहनत मेहनत पर आई है। हम लोग बग पे थे, देखो बग का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम और सॉफ्टवेयर पे जब प्रॉब्लम आती है यानी गलती छाटना, जैसे कि अभी वो काम कर दिया था ना बिहार का लीडर था, तो बैठे कर रहा था, तो बैठे बैठे सही से सॉल्व कुछ कर रहा था, तो गूगल के अंदर एक दिक्कत निकाल दिया, अब जैसे गूगल के अंदर कोई भी दिक्कत हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है ना, हैकर तुरंत क्या हो जाएगा, कूद जाएंगे हैकर देंगे गूगल को, है कि नहीं, जितना इन्फॉर्मेशन वो चुरा ले जाएंगे, क्योंकि गलती हो जाए बहुत बुरी बात है। तो वो जो बिहार का लिखा था गलती छोड़ गया, सर सर गूगल वाले सर सुनो आपके वेबसाइट में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, तो गूगल वाले तुरंत कॉन्टेक्ट किए इसे कहाँ पर भैया, क्योंकि तुरंत अगर आप ट्वीट करते हो किसी को डायरेक्ट मैसेज करते हो उनका और वो खरबो कंपनी ऐसी हो जाएगा, है कि नहीं, तो तुरंत कॉल किया तुरंत कॉन्टेक्ट किया कहाँ पर सर प्रॉब्लम बताइए, कि प्रॉब्लम बताया बिहार का लड़का, तो इसको सॉल्व किया जाएगा 5-6 मिनट के अंदर, ये तो जाहिर सी बात है गलती होगा, मान लो फॉल्ट आ रहा है, हैकर तुरंत पूछेगा पूरा का पूरा अपना, और यही डार्क वेब भी कहलाता है, कि थोड़ा सा बताएंगे डार्क वेब के बारे में, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ पर देखो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या कर सकते हो, किसी का भी सिस्टम है तो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेट का मतलब थोड़ा सा आप उसको आप अपने अंदर कंट्रोल आपको दे दिया जाएगा, आप जो क्या घर में बैठे बैठे काम करते हो, जैसे कि जो फिजिक्स वाले सर है अब उनका क्या है कि अलग अलग ब्रांच है अलग अलग स्टेट में, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चल रहा, तो क्या वो सब जगह पर गाड़ी ले घूमता होगा कोई इंसान, नहीं, एक रूम दिया हुआ क्या होगा, चाहे किसी को घर से ही काम मिल गया होगा कि भैया तुमको घर करना है और तुमको ये बस देखना है कि हमारे सर्वर को कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, कि हमारा क्लास में कोई बाधा ना हो, बस तुमको ये देखना रहता है, और बाधा भी होगा तो तुरंत सब करके भेजना है, बस अगर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं, इसके लिए स्किल की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके अंदर स्किल है, जैसे वेब रिलेटेड वेब इंटरनेट बोलते हैं इसको, वेब इंटरनेट रिलेटेड जितने भी कोर्सेस, अगर थोड़ा सा वीडियो पे और ये YouTube पे जाइए देखिए उन YouTube वीडियोस को, और थोड़ा सा अपने आपको क्या कीजिए स्किल्ड पर्सन बनाइए, काम बन जाएगा, एक टाइम टेकिंग है ऐसा बात नहीं। अब यहाँ पर ये क्या है, वेबसाइट बिल्डर, वेबसाइट बनाने वाले है कि नहीं, जैसे गूगल पे पेज बनाया जा रहा है, जैसे कि मान लो फिजिक्स वाले सर का एक पेज है, उनके उनके पेज पर जाओगे तो उन्हें का जिन मिलेगा, मान लो अड्डा 247 कंपटेटिव एग्जाम का है, मान लो यूपीएससी क्रैक करना है, दृष्टि एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, तो वेबसाइट पर जाओगे तो क्यों यूपीएससी यानी आईएएस एग्जाम के बारे में पूरा पूरा लिखा रहता है, उसको डेवलप किया होगा उस वेबसाइट को, उसको बनाया होगा अपने आप थोड़ा बन है कि नहीं, उसको डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा वेबसाइट बिल्डर की तरफ सोचना है, बस आना देखो कोई ये सारे के सारे के लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, हर कंपनी हर इंसान चाहता है क्या कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो हमारे काम को कर सके, आपके दिमाग में आई बात करने का जरूरत कि प्रोफेशनल नहीं चाहिए, देखो मान लो हम और अमित हैं, अगर ये मान लो कि हम प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, अमित के पास केवल नॉलेज है, अब हमको प्रोफेशनल अगर हम जाएंगे किसी कंपनी में तो हम अगर जॉब करेंगे तो हमको बोलेगा सूट बूट पहन के आप, दूसरा बात बोलेगा कि वो कुर्सी में लेकर के बैठाएगा हमको, मतलब एक स्पेस देगा, अच्छा ऑफिस देगा हमको बैठाएगा करने के लिए, तीसरा बात महीना में 10 दिन छुट्टी भी देना पड़ेगा और पैसा का देना पड़ेगा फुल, कहें हम नहीं मानेंगे है कि नहीं, हम बोलेंगे फुल पैसा दो हमको, यानी जितना भी मान लो सैलरी होगा 60-70 हज़ार रुपये, अमित एक ऐसे आदमी है जिनको क्या चाहिए केवल इनके पास स्किल है, यानी जो हम काम कर सकते हैं वही अमित कर सकते हैं, लेकिन अमित क्या बोलते हैं कि हम फ्रीलांसर हैं, यानी हम घर पर बैठे करके फ्री में काम करते हैं, करवाना है तो करो, तो वो कंपनी उनको ना चूज करेगा, क्योंकि अब हमेशा तो लोगो डिजाइनर करना नहीं है हमको, कि कंपनी वाला डेली लोगो डिजाइनर करवाएगा, किसका करवाएगा है कि नहीं, तो कंपनी वाला एक ऐसे इंसान को चूज करेगा जो कि टेम्पररी है, या फिर डेली ट्रांसलेटर करना है क्या हम नहीं, तो कंपनी वाला ऐसे ऐसे बच्चों को खोजते रहते हैं जो हमारा काम करते हैं, इनमें कम खर्चा है, इनको ना बोलेगा सूट बोट पहन के आप, ना बोलेगा क्या कहते हैं कि उनको उस ऑफिस में बुलाएगा, ना चाय पानी देगा, अब हम बैठे रहेंगे 2-3 बार नहीं बोले चाय पानी मांगेंगे, पानी मांगेंगे हम कि पानी तो एक बार है कि नहीं, कहने का मतलब यह है कि कंपनी वाले पर बोझ बन जाता है कोई भी इम्प्लॉय है कि नहीं, अब ये बंदा घर पर बैठा रहेगा आराम से भेजो नहीं रहता हम तुम्हारा 2-3 में हो जाएगा, यूँ बोलेगा और 2-3 बोल करके भेज देगा, इनको भी टेंशन नहीं उसको भी टेंशन नहीं भैया आ रहा है कि नहीं, उसको काम करवाना है काम का मतलब है कि हम क्या करवाएगा दमा थोड़ा बनाना है कि नहीं, बस देखो
तो यही अंतर है दोनों में, इस बात को समझोगे। हर कंपनी वाला एक फ्री बंदा होना चाहता बस, जो उसके केवल काम को करते। अब यहाँ पर देखो जो कंसल्टिंग होता है, कंसल्टिंग का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो बेटा, किसी मतलब एक एडवाइजर की तरह कर सकते हो। कंसल्ट का मतलब अपनी बातों को साझा करना, यानी किसी से एडवाइस देना, साझा करना। अब कंसल्टिंग बहुत सारे कंसल्ट होते हैं, कॉल वर्क सर, फाइनेंशियल कंसल्ट। अब घर में बैठे बैठे आपके पास अच्छा अगर नॉलेज है फाइनेंशियल रिलेटेड, बहुत सारे बुक्स आते हैं, आपने आपको दिमागदार बना लेते हो, भैया आपका ये कंपनी है, आपका ये कोचिंग है, इस तरीके से चलो अच्छा खासा पैसा कमाओ। बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर है कि नहीं, वो ये काम कर रहे हैं कि नहीं। अब उनसे ज़्यादा कौन कमाता होगा इंडिया में, 20 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। अब वो आदमी शुरू किया होगा जीरो से, ऐसे नहीं कि 20 मिलियन उठा था सुबह सुबह 20 मिलियन हो गया, हो गया जीरो से शुरू किया होगा इंसान को, है कि नहीं। तो किसी भी काम में पीछे मेहनत टाइम लगेगा, ऐसा बात नहीं होगा। आपकी मेहनत यानी आपने अपने स्किल बनाया, उससे पूछोगे तो कुछ नहीं बताएगा कि हम कौन सा कोर्स किए हैं, कोर्स की जरूरत नहीं है, उसके पास स्किल है। फिजिक्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, तो थोड़ा सा इंस्पायर भी है जो फिजिक्स वाले टीचर से, कि उनका क्या है भाई साहब कि वो बंदा 12 तक पढ़ा, 12 तक ना पढ़ा, कोई कोर्सेस नहीं, कोई डिग्री नहीं, ना बीटेक, बीटेक कर रहे थे तो बात छोड़ दी, मान लो ना 3 साल फिर भी ड्रॉप आउट रेट छोड़ दिया बंदा। और क्या है हाल देखो, करोड़ों की कंपनी है, आप जान कितना करोड़ का बन गया था कंपनी, 8000 करोड़ का कंपनी बन गया, 8000 करोड़ उम्र के एक एज के बाद वही नौकरी, घर जाना, नौकरी घर जाना, घर पे जाओगे पेट बाहर निकल जाएगा पूरा, है कि नहीं, दिक्कत होगा बैठने खाने में, काम सोचोगे अपने से मेहनत होगा नहीं, वो हो चुके जिंदगी से, तो एक तो चाहेगा भैया पीछे से मोटिवेट करने वाला, तो एक वो फिटनेस एडवाइजर होता है कि नहीं। अब वो फिटनेस एडवाइजर अगर मिलेगा तो फ्री में करेगा नहीं, है कि नहीं। सारे दूसरा करियर एडवाइजर, बहुत सारे करियर एडवाइजर होते हैं, जैसे कि आप संदेश महेश्वरी सर को देख लो, वो क्या करता है कि मोटिवेशनल स्पीकर मतलब बातें करते हैं, कन्वर्ट करियर एडवाइस देते हैं बहुत सारे लोग, ये सारे चीज़ें होता है। अब देखो पेरेंटिंग एडवाइजर, आप देखो किसी का नया शादी हुआ, दो कपल है, अब पहले भी मतलब कि कुछ सीख नहीं पाए अपने, जैसे कि किस तरीके से बच्चे को संभालना पड़ता है, तो बाद में दिक्कत होगा, तुम ही लोग हो या फिर हम ही को ले लो, है कि नहीं, हम ही को ले जाओ यार, हमारा शादी विवाह हुआ, अब हमारे बच्चे हो, अब उनको अगर संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको एडवाइजर चाहिए, तो गांव में क्या होता है कि अपने चाचा चाचा फोन लगा लिए कि कैसे समझ ले रहा है, उनको बताओ, मेरे दोस्तों के पास फोन लगा लिए, अगर वो उसका पहले शादी होगा, अगर कोई नहीं है शहर में, कोई नहीं होता। देखो शहर में ये रियलिटी है कि शहर वाला जो जिंदगी होती है, एक आप अगर एक अपार्टमेंट में जाते हो, क्योंकि बिजली चल रहा है, बहुत सारे रूम होते हैं, 4 BHK 2 BHK रूम होता है, अब उस रूम में जाओगे ना तो पहले बगल वाला कौन है नहीं पता चलेगा, तो बगल वाले रूम में कौन रहता है, इतना ज़्यादा मतलब ही होते हैं, ये एकदम कड़वा सच है, कोई मतलब नहीं, तो उस समय में आप बगल वाले से मदद नहीं ले सकते हो, चाचा चाची वैसे ही रहता है यार, आप शहर का रहता है, लोग एडवांस हो चुके हैं, नहीं आप मदद लेंगे, ज़्यादा पैसा रहता है, कहाँ जाएंगे, पेरेंटिंग एडवाइजर। तो पेरेंटिंग अगर आपको अगर अच्छा खासा या तो मेल या तो फीमेल, अगर आपको अच्छा खासा पता है, आप तुरंत बोलोगे अपना पूरा क्या करोगे, एक प्रोफाइल बनाए रखोगे, फिर बताते हैं कैसे प्रोफाइल बनाना है, तो आप क्या करोगे कि भैया आइए हमारे पास, हम आपको बता देंगे सारे लीगल कंसल्टेंट में, जैसे कि आपको आपका बिजनेस है, आपको कब लीगली आप मतलब बिजनेस कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि आपको इलीगल काम नहीं करोगे, कुछ हद तक बहुत सारे आज के डेट में मान के चलो कि 60-70% बिजनेस चल रहा है इलीगल चल रहा है, तो एक लीगल एडवाइजर होना चाहिए जो आपको बताएगा भैया ये काम मत करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है, पुलिस पे टारगेट पड़ सकता है, दिक्कत होता है कि नहीं। एक बड़े बड़े बिजनेस में एक लीगल एडवाइजर होते हैं, अभी क्या होता है घर पर आपको बैठा रहेगा, बस कॉल करेगा इतने टाइम पे किसी मतलब जो मालिक होगा कॉल करेगा, भाई साहब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा बिजनेस पर लेकर के तुम बताओ कोई, है कि नहीं, कि अमेरिका से माल आ रहा है क्या लिया जाए कि नहीं, कि यूक्रेन से माल आ रहा है तो वहाँ से लिया जाए कि नहीं, क्योंकि अभी यूक्रेन में लड़ाई वड़ाई चल रहा है, वहाँ से माल ले लेंगे दिख जाए, तो वो लीगल एडवाइज करेगा, नहीं भैया आपने बोला उसका सामान वगैरह है कि नहीं, तो इस तरीके से लीगल एडवाइजर तो मतलब समझ रहे। अब देखो आगे क्या है, वीडियो प्रोडक्शन जो कि हम कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो
वीडियो प्रोडक्शन में क्या करते हो, सोशल मीडिया वीडियो क्रिएटर, आप क्रिएटर बन सकते हो, है कि नहीं? यानी आप दूसरा का वीडियो, दूसरे का वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अपने YouTube पे जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, अपने वीडियो क्रिएट करते हैं, उनका अच्छा खासा पैसा आता है, घंटा मेहनत करेगा तो अच्छा खासा क्या करते हैं, तो कैमरा मैन रख लेंगे, वीडियो बनाते हैं आराम से, वो वीडियो बनाएगा उनका, मतलब पूरा सेटअप होता है, वही देखेगा और फिर क्या करेगा, एक एडिटर भी रखता है ताकि वो एडिट भी करे, खाली जो बोलने वाला जो रहता है वो जो राठी है